solubility of gases in liquids. Henry's law. I'm going to discuss Henry's law. So Henry was the first who gave the quantitative relationship between solubility of a gas and its pressure in a liquid solvent. So the statement of the law is solubility at a given temperature, at a given temperature. If we keep the temperature constant, solubility of a gas is directly proportional to its pressure. So most common form of the law, जो हेनरीज लॉ का मोस्ट कॉमन फॉर्म है जिसको हम मोस्टली यूज करते हैं, दैट इज द पार्शल प्रेशर ऑफ द गैस, द पार्शल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। दैट मींस पी वेरीज डायरेक्टली विथ मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज दिस पी? पी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज, एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस If the mole fraction of the gas in the solution is high, the partial pressure of the gas in the vapor phase, that will be more. If the mole fraction of the gas in the solution is less, so partial pressure of the gas in the vapor phase will be low. So we can write this relation like this: P is equal to P is equal to KHX, where P is the partial pressure, KH is the Henry proportionality constant. This KH is constant of proportionality, known as Henry's constant. It is called Henry's constant. इसका मतलब है पी वेरीज डायरेक्टली विद दिस एक्स। सो इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एक्स एंड प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए गैस सॉल्यूशन इन ए लिक्विड, फॉर एग्जांपल HCl इन साइक्लोहेक्सेन, वी विल गेट अ लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ मींस द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज डायरेक्टली वेरीज या लीनियरली वेरीज विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। सो पी इज इक्वल टू के एच एक्स। व्हाट इज के एच हियर? के एच इज हियर हेनरीज कॉन्स्टेंट। हेनरीज कॉन्स्टेंट जो है ना, ये के एच जो होता है के एच, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस एट द सेम टाइम। अगर हम टेम्परेचर सेम रखेंगे फिर हम गैसेस चेंज करेंगे, सो के एच विल बी डिफरेंट। दैट मीन्स के एच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। इफ यू चेंज द गैस के एच at the same temperature, KH has different values. It has different values. For example, if I choose the temperature 293 Kelvin, helium has 144.97, hydrogen has 69.16, N2 has 76.48. That means the temperature is the same, but the gases have different values of KH. एक और बात, higher the value of KH at a given pressure, जितना KH का value ज्यादा होगा, KH का value ज्यादा होगा, The solubility of the gas will be less. Solubility होगी कम, gas की solubility कम होती है। जितना value, higher the value of KH, less is the solubility. अब KH जो है ना, KH ये Henry's constant, it depends upon temperature, it increases with temperature. ये temperature से increase होता है। If you raise the temperature, it increases. But higher the value of KH, decrease the solubility. That means solubility will increase विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो यहां पर आप देखिए केएच इंक्रीज विद टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर रेज कर देंगे केएच का वैल्यू इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज होगी। अब हम यहां देखिए ऑक्सीजन का 293 केल्विन पे 34.86, अब अगर हम 303 केल्विन पे लेंगे, इन्हें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बाय 10 डिग्रीज, सो इसका केएच बढ़ता है 46.82। अब आप नाइट्रोजन लीजिए, ले लीजिए 69.16, इसका 293 केल्विन पे है केएच का वैल्यू,
88.84 है इसका 303 पे वैल्यू। इसका मतलब है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे बाय 10 डिग्री इसका केएच वैल्यू होता है इंक्रीज, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इसको हम ऐसे वी कैन पुट दिस इन दिस फॉर्म इन दिस वे दैट केएच का वैल्यू टेम्परेचर रेज करने से केएच का वैल्यू इंक्रीज होता है बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इसका मतलब यह है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर। दिस इज रीजन दैट एक्वाटिक स्पीशीज जो होती है ना, एक्वाटिक स्पीशीज दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। होप दैट यू गॉट इट। थैंक्स।